हाय गाइस, हर्षित यादव की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि एसल्टोस का जो 2023 फेसलिफ्ट आएगा उसके बारे में पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या कुछ चेंजेस मिल जाते हैं। जैसे मैक्स जो आपको आगे की हेडलाइट्स मिलती है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस मिलेगी एंड पीछे की टेल लाइट कनेक्टिंग कर दी है। फिलहाल जो इसकी प्राइसिंग रहेगी गाड़ी वो करीब 11 लैक्स टू 18 या 19 लैक्स रहेगी एंड ये गाड़ी आपको 6 वेरियंट्स में मिलेगी। फर्स्ट है HTE, सेकेंड HTK, थर्ड HTK प्लस, फोर्थ HTX, फिफ्थ HTX प्लस एंड जो लास्ट इसका टॉप एंड वेरियंट रहेगा वो है GT X। गाड़ी की जो लेंथ रहेगी वो 4390 mm की, विड्थ 1800 mm, हाइट 1600 एंड व्हील बेस जो है इसका वो 2630 mm का। फाइनल जो अब ग्राउंड क्लियरेंस आता है वो ठीक ठाक सा मिल जाता है आपको 190 mm का। अब फिलहाल बात करते हैं इसे इंजन ऑप्शन की। फर्स्ट जो इसमें इंजन मिलेगा 1.5 टर्बोचार जो कि निकालेगा 160 bhp विद 153 nm टॉर्क। ये 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 7-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिल जाएगा। सेकंड जो इसके इंजन आता है 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि निकालेगा 113 bhp विद 144 nm टॉर्क। ये आपको 6-speed मैनुअल एंड 6-speed ऑटोमेटिक दोनों में देखने को मिल जाएगा। थर्ड जो इसका इंजन आता है वो 1.5 डीजल जो कि निकालेगा 115 bhp विद 250 nm टॉर्क। इस गाड़ी में आपको माइलेज भी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी 18 to 21। बाकी इसमें इंटीरियर दो कलर के मिलेंगे, एक तो रहेगा जो टैन जो आप सामने देख रहे हो एंड एक रहेगा पूरा ऑल ब्लैक। बाकी लेदर का भी इसमें काफी अच्छा यूज कर रखा है। टॉप एंड वेरियंट में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, एमी लाइटिंग का भी काफी अच्छे से यूज करा गया है। ये सेगमेंट की पहली ऐसी गाड़ी बन चुकी है जिसमें गियर लीवर नहीं मिलता, आप सामने देख सकते हो, जो कि काफी महंगी या एक्सपेंसिव कार्स में नॉर्म मिलता है राइट लेफ्ट करने का, वो किया ने अपनी सेल्टोस में इंट्रोड्यूस कर दिया है। बाकी इसमें अलॉय व्हील्स आपको थोड़े न्यू स्टाइल के कर दिए हैं, 17 इंच के मैक्स अलॉय व्हील मिल जाते हैं टॉप एंड वेरिएंट में। ऊपर की बारी आए तो यहाँ पे रूफ रेल्स मिल जाते हैं विद शार्क फिन एंटीना। सनरूफ अभी आपको स्मॉल ही देखने को मिल जाती है, पैनोरमिक नहीं मिलती। 10.25 inches की डुअल डिफरेंट स्क्रीन मिलती है एंड इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑफर कर दिया गया है। गाड़ी में क्रूज कंट्रोल एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल आपको स्टीयरिंग में देखने को मिल जाता है। बारी आती है तो फ्रंट लुक की, DRL एंड लाइट्स पूरी कंप्लीटली चेंज कर दिया है। वैसे तो सिंपल ही मिलती है जो पहले आपको मिलती है, लेकिन DRL इसका कंप्लीट चेंज कर दिया। पैनो ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिल जाती है, आइस क्यूब फॉग लैंप्स वो सिंपलर वैसे ही मिलते हैं जो पहले मिलते हैं। स्किड प्लेट आपको नीचे एक साइड सिल्वर टोन में कर दिया थोड़ी बहुत। इस गाड़ी में आपको डिफरेंट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, सामने आप देख रहे हो डायमंड कट अलॉय व्हील्स है 17 इंचेस के। बाकी पीछे एक साइड कनेक्टिंग टेल लाइट मिल जाती है, बीच में किया का लोगो, सेल्टोस की आपको बैजिंग मिल जाती है पीछे की साइड ही। और बाकी टेल लाइट्स का तो आपको पता ही है, कनेक्टिंग टेल लाइट का एक फ्यूचर बन चुका है। ORVM पे इंडिकेटर देखने को मिल जाता है जो कि अभी भी मिलता है। फ्रंट की सीट्स दोनों वेंटिलेटर देखने को मिल जाएगी, वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी, हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड तरह तरह के फीचर्स में देखने को मिल जाएंगे। बाकी इस गाड़ी को एक और चीज जो है जो खास बना देती है वो इसका एडास। हाँ, इस गाड़ी में आपको एडास भी देखने को मिल जाएगा अभी तक जहाँ तक लीक्स में पता चला है। वैसे तो पूरी गाड़ी जब अनवील होगी तभी ज्यादा कुछ फीचर्स पता चलेंगे, जब इंडिया में लॉन्च होगी तब देखेंगे। बाकी इस वीडियो में अभी तो इतने, आपको कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।